हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिव्यू सीरीज। डे 18 में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनीष मल्होत्रा की स्टोव क्रीम का रिव्यू। एंड इस सीरीज़ को बनाते हुए अब मैं थोड़ा सा मैं भी बोर होने लगी हूँ, बिकॉज आप भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो। एंड अब मुझे भी, जब आप कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो ना, तो मुझे ही मज़ा नहीं आता है वीडियोज़ बनाते हुए। तो बस मायग्लैम एंड मनीष मल्होत्रा की बस ये एक दो वीडियो रह गई है, उसके बाद मैं कुछ अलग से प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना। सो गाइस, बात करते हैं इसकी आउटर पैकिंग से, जो कि आपको कार्डबोर्ड की ब्लैक आउटर पैकिंग में मिल जाती है विद, मतलब इसमें गोल्डन कलर का डिजाइनिंग देता है। काफी क्लासेस लगती है आउटर पैकिंग भी। एंड गाइज, ये ग्लूटेन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, पैराबिन फ्री, SLS SLES फ्री एंड अल्कोहल एंड सल्फेट्स फ्री है। मायग्लैम के सारे प्रोडक्ट वैसे अच्छे होते हैं स्किन के लिए। अब मेन इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस है 799 इसकी MRP है। बट ये ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड चीप प्राइस में मायग्लैम पर मिल जाएंगे। सारे प्रोडक्ट पर बहुत अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं मायग्लैम के ऊपर। एंड सारे ऑफर्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 18 ml की इसमें आपको क्वान्टिटी मिल जाती है। एंड इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो पूरे 3 ईयर्स की इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। अब इसकी इनर पैकिंग की बात करते हैं, जो कि आपको गोल्डन कलर के छोटे से ट्यूब में आपको ये रिसीव होती है। काफ़ी क्यूट लगती है। गोल्डन कलर का मतलब ये ट्यूब है। एंड ब्लैक कलर का इसमें कैप दे रखा है। मनीष मल्होत्रा के ज़्यादातर सारे प्रोडक्ट पूरे ब्लैक होते हैं एंड गोल्डन कैप देते हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा अलग लुक दिया है। इनका जो लिक्विड हाइलाइटर्स है ना, जिनका रिव्यू भी मैंने रिसेंटली शेयर करा था, तो उसकी बिल्कुल सेम इसी की तरह पैकिंग है। बिल्कुल सेम ऐसी पैकिंग है, बस इसमें और उसमें इतना फ़र्क है कि वो ब्लैक कलर की पैकिंग में थी और गोल्डन कैप था, एंड ये गोल्डन कलर की पैकिंग है एंड ब्लैक कैप है। वरना साइज, डिज़ाइन, लुक सब कुछ उसी का जैसा है। अगर ये कलर को चेंज नहीं करते तो मैं पहचान भी नहीं पाती मेरे पास कौन सा हाइलाइटर है एंड कौन सा, मतलब ये स्टोव क्रीम है। बिल्कुल सेम ही पैकिंग दे रखी है इन्होंने। एंड इसकी इनर पैकिंग के पीछे ना आपको इसके इंग्रेडिएंट, इसकी मतलब क्वांटिटी, शेल्फ लाइफ एंड प्राइस, सारी चीज़ें मेंशन मिल जाती हैं। अब गाइज, इसका जो ट्यूब है ना आगे से बहुत ही पतला सा है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड इनके हाइलाइटर में भी इसी तरह से थी, वरना जो भी मैंने मायग्लैम की लूमी क्रीम का आपके साथ रिव्यू शेयर करा है ना, ये आगे से इस टाइप से गोल सी ट्यूब में है। एंड ज़्यादातर सभी मतलब प्रोडक्ट के इसी टाइप के आते हैं, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब एकदम लुक अलग से ही दिया इसका। एंड इसका ना ये भी फ़ायदा है, ये आगे से पतला सा है ना, तो प्रोडक्ट बहुत कम निकलेगा। मतलब ऐसा होता है ना, जो आगे से थोड़े बड़े खुलते हैं तो उसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी निकल जाता है, बट इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें इन्होंने पैकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे रखी है। बिल्कुल हाईलाइटर की तरह हल्का सा ही निकाल सकते हैं इसको भी। एंड सेम हाईलाइटर में भी इन्होंने इसी टाइप की पैकिंग दी थी। टेक्स्चर की बात करें तो गाइज, एक बहुत ही ज़्यादा एक हाईलाइटिंग वाली ये स्टोव क्रीम है। नॉर्मली जो मैंने अभी मायग्लैम की एक लूमी क्रीम का रिव्यू शेयर कराया है, जो अभी न्यू लॉन्च हुई है इनकी विटामिन C वाली, तो मैंने उसको आपको बताया था आप डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो और मतलब स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये ना पूरी आप ग्लैम मेकअप में ही यूज़ करना, थोड़ा सा आपको ग्लैम लुक चाहिए जब भी, बिकॉज ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हाईलाइट कर देती है फेस को। एकदम से लगता है कि फेस पर हाँ कुछ हाईलाइटर सा लगा रखा है। और शिमा पार्टिकल्स तो वैसे नहीं है इसमें, लेकिन टेक्स्चर ना इतना भी ज़्यादा स्मूथ एंड हल्का सा नहीं है, थोड़ा सा थिक है इसका टेक्स्चर। दूसरा ना ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हाईलाइट कर देती है। सो गाइज, आप इसको नेचुरली हल्का सा स्किन केयर के बाद अपने फेस पर हाइलाइटिंग वाला लुक देने के लिए लगाना चाह रहे हो तो बस हल्का सा लेके इसको खाली चीक्स पर लगाना है, पूरे फेस पर नहीं लगाना। एंड अगर आप कोई भी ग्लैम मेकअप कर रहे हो तो इसको पूरे फेस पर लगाओ, उसके बाद फाउंडेशन वगैरह लगाओ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा डुई आपका मेकअप होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग है ये। मुझे नहीं पता अभी कैमरे मेरे हैंड के ऊपर इतना ज़्यादा विजिबल हो रही है या नहीं, लेकिन स्किन पर लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है। लेकिन इसमें शिमा पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है फेस को, लेकिन बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देती है। इसको आप फाउंडेशन में मिक्स करके लगाओ, या मतलब थोड़ा सा लगाने के बाद थोड़ा बेबी क्रीम या फिर थोड़ा लाइट मेकअप करना चाह रहे हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मतलब सिर्फ कंसीलर से ही हल्का सा मतलब जो डार्क स्पॉट है उनको थोड़ा सा कवर करके मतलब थोड़ा मेकअप करना चाह रहे हो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्किन केयर के बाद डायरेक्टली जैसे लूमी क्रीम लगा लेते हैं ना, तो वो वाला नहीं लगाना है इसको। मतलब स्टोव क्रीम है ना, तो इसको मेकअप में ही ज़्यादा यूज़ करना, बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर देती है फेस को। अच्छा गाइज, मेरी ना ड्राई स्किन है तो मैं कभी भी मतलब इस तरह से ग्लो नहीं करता है फेस, तो आजकल ना मैं लूमी क्रीम एंड स्टोव क्रीम में इन्वेस्ट कर रही हूँ। एंड मैंने काफ़ी स्टोव क्रीम एंड लूमी क्रीम का आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर दिया है, एंड उसमें से ये एक मेरी मोस्ट फेवरेट मतलब स्टोव क्रीम है। मैं मेकअप में इसको यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ। एंड 1 ईयर से मेरे पास है, जब से मैं मतलब जितनी बार भी मतलब मैंने मेकअप कराया ना, तो इसको ज़रूर यूज़ कराया मेकअप में, काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। एंड गाइज, अगर आप डेली यूज़ के हिसाब से कोई लूमी क्रीम या स्टोव क्रीम देख रहे हो जो कि आपकी स्किन पर एक ग्लो दे एंड नेचुरल भी लगे, तो आप मैंने आपके साथ ना दो रिव्यू शेयर कर रखे हैं। एक मैंने माइग्लैम की लूमी क्रीम का शेयर करा था, दूसरा मैंने डॉट एंड की भी स्टोव क्रीम का रिव्यू शेयर कर रखा है जो कि मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट स्टोव क्रीम है, मतलब डेली यूज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो वो दोनों ही वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड माइग्लैम के फ्री प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो कहने का मतलब यह है कि एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइज अगर आप ये प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हो तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड काफी अच्छे से स्किन को डूई एंड ग्लोई बना देता है। तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है एंड मेकअप को काफी अच्छा मतलब लुक दे सकता है। तो काफी मतलब लग्जरी सी ब्रांड है मनीष मल्होत्रा, इनके काफी अच्छे होते हैं प्रोडक्ट। तो जिस प्राइस में मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्ट मिल जाते हैं माइग्लैम पर इतने अच्छे अच्छे ऑफर चलते हैं, 1 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ में या फिर कभी कभी फ्री में 99 रुपीज़ में ऐसे ऐसे मिलता है माइग्लैम के सारे प्रोडक्ट। सो प्राइस के हिसाब से ना आपको माइग्लैम से अच्छी ब्रांड कहीं भी मिल ही नहीं सकती एंड जो मोस्टली मनीष मल्होत्रा के प्रोडक्ट होता है ना वो काफी लग्जरी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इनके प्रोडक्ट तो आप जरूर ही ट्राई करना एंड ये लूमी क्रीम भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, काफी फेवरेट भी है मेरी। ऑफर्स के लिए टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। आपको कोई भी मेरे से बात करनी है फिर कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सो गाइज ये था आज का छोटा सा रिव्यू, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड लक।